हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान ट्रिक के साथ और आसान भाषा में सरल करेंगे, पार्ट बी सोल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा तथा y बराबर a 1 माइनस कोस थीटा हो तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। x फलन है ft का, तो हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, इधर आ जाएगा एफ डैश टी। इसी प्रकार y बराबर जी टी है, तो हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर g डैश t। तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt बट्टा dx अपॉन dt। x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो यहाँ से dx अपॉन d थीटा कितना हो जाएगा, a तो कॉन्स्टेंट है, थीटा का 1 हो गया, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा। इसी प्रकार dy अपॉन d थीटा कितना आ जाएगा, देखो a तो कॉन्स्टेंट है और 1 का हो गया 0 और cos थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस का साइन थीटा। तो dy अपॉन dx बराबर कितना हो गया, dy अपॉन d थीटा बटा dx अपॉन d थीटा। तो dy अपॉन d थीटा का मान कितना आ गया यहाँ से, ये देखो a साइन थीटा बटा dx अपॉन d थीटा का मान यहाँ से रख देंगे, a 1 प्लस cos थीटा, तो a से a तो ये हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो dy अपॉन dx बराबर यहाँ त्रिकोणमितीय सूत्र लगा देंगे तो साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। इसी प्रकार 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये एक घात कैंसिल हो गई, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बचा, टेन थीटा बटा 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।